नमस्कार, आई एम नॉट रविश कुमार, आई एम मुकेश कुमार। हम बात करने आए हैं बिहार की, आपके बिहार की। हाँ, उसी बिहार की जिस बिहार का आपको गुमान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। लिट्टी चोखा ही खाने की पहचान है। हाँ, उसी बिहार की। उस बिहार में जहाँ सपने पलते हैं लोगों का व्यक्तित्व उसको हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने को मजबूर करता है। छोटे गांवों से, छोटे शहरों से बिहार का प्रवासी मजदूर जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के NCR वाले क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे अपने बिहारी होने का पहला अनुभव होता है कि क्या उसे ये रोजगार उसके अपने बिहार में मिल पाता तो क्या वो दिल्ली और नोएडा की गलियों में घूमता। कैसे उसने अपने यहाँ दिन गुजारे हैं, कैसे अपनी बातों को रखा है और वहाँ से जो वो मजदूरी करते हैं, जो वो व्यवसाय करते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो अपने घर को भेजते हैं। वो घर जहाँ पर उसका एक नया पीढ़ी, नया जनरेशन शिक्षा के लिए ललायित है, अपने गौरव को गौरवान्वित करने के लिए वो सोच रहा है कि फिर बिहार के उस भाल पर जो विश्वास का एक टीका लगा है, उस टीका को फिर से कैसे सुशोभित किया जाए, नालंदा किसान को कैसे बचाया जाए। HC वर्मा फिजिक्स, आपने सुना होगा नाम, HC वर्मा फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं फिजिक्स की दुनिया में। पटना जैसे छोटे शहर में रहकर उन्होंने फिजिक्स को लेकर क्या अपना पक्ष रखा है, क्या विचार रखा है, जिसको लेकर ऑक्सफोर्ड तक उनको सलाम करता है। बात यूं ही यहीं नहीं खत्म होती है, हमें HC वर्मा तक ही सीमित नहीं रहना है। Agni-5 जब मिसाइल आती है और वो भावना कंठ जैसी बेटियां जब भारत के स्वाभिमान और गौरव को गौरवान्वित करती है, अलंकृत करती है, तब हमें बिहार के असली अस्मिता और पहचान का भान होता है। ऐसे ही हम आपको आपके बिहारी होने का भान कराते रहेंगे, आपको बताते रहते रहेंगे कि आप कैसे अपने बिहार को फिर से वही गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनरावृत्ति करेंगे और बिहार का मान फिर से बढ़ाएंगे। अगर आपको अपने बिहारी होने का गौरव है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें आशा दिलाएं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लाते रहें। जय बिहार।